तेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। फिलहाल तो जो दाव पे लगा है उसे ही बचाने की कोशिश कर। ये घर अब्बा की आखिरी निशानी है, इसे नीलाम होता देखना मेरे लिए डूब मरने का मकाम होगा। आज शाम में तैयार रहें, तुम्हारी अम्मी की तरफ चल। जब मैंने तुम्हें वाजे तौर पे कह दिया था कि तुम्हारे घर वाले यहां नहीं आएंगे, क्यों आए थे समीना और इमरान? हमारे पर तुमने मेरी मदद ना की तो बहुत मुश्किल में आ जाऊंगा। अगर इस वक्त पूरे पैसे नहीं कर सकते तो आधे ही कर दो यार, ताकि मेरा गुजारा हो जाए। असल में तुमने कमिट कर दिया था इसलिए तुम्हें तंग कर। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ओके, खुदा हाफिज़। मुझे देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए। अपने जब बेगाने हो जाते हैं तो उनको देख के ज्यादा हैरानी नहीं होती। वैसे अम्मी नजर नहीं आ रही, और बाकी के साथ? अम्मी नमाज पढ़ रही हैं और बाकी सब अपने कामों में बिजी होंगे। आप बताएं कैसे आना हुआ आपका? अच्छा, वैसे मेरे पहले आने पर कभी सवाल तो नहीं हुआ? क्योंकि पहले मेरे और आपके बीच में अच्छे बुरे का खेल भी नहीं था। अब जब इतने नेक लोग आए हैं घर पे तो ये सवाल तो बनता है। वाह जी वाह, मतलब चोरी और सीना जोरी, ऐसे कई इल्जाम लगा सकता हूं मैं साहब, लेकिन मैं बात आगे बढ़ाने नहीं आया हूं। मैं यहां महज तुम्हारी हमदर्दी में आया हूं। आप तो मेरी हमदर्दी में चले आए, लेकिन मुझसे भी तो पूछ लो, मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है भी या नहीं? मैं समझ सकता हूं सायम कि जब इंसान उस फेज से गुजर रहा है जिससे तुम गुजर रहे हो ना, तो जबान ऑटोमेटिकली कड़वी हो जाती है, इसलिए मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं सायम, और यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको क्या आप मेरे बड़े भाई? अब मैं आपका छोटा और मुझे आपकी मदद की जरूरत भी हो सकती है। अम्मी से पता चला कि तुम्हारा बिजनेस खत्म हो चुका है यार, कि तुम काफी परेशान हो। ऑनेस्टली सायम, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। खामखा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है साहब, हमारे दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं उन्हें अलहदा छोड़ दो, एंड प्लीज फॉर गॉड सेक लेट मी हेल्प यू। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है।
अब बैठिए यहाँ, अम्मी आती होगी। हाँ बोल समीना। घर पर हूँ, बैठी हुई हूँ। तू बता, शहर का काल आया? पैसों का बंदोबस्त किया उसने? नहीं, मैंने तो उसको कोई फोन नहीं किया, ना उसका कोई फोन आया है। अरे तू काल करके पता कर लेना। देख समीना, मेरी बात समझने की कोशिश कर। उसको ढील नहीं देनी, अगर उसको ढील दी ना तो जो भी जाल हमने बनाया काट के निकल जाएगी वो। तू बात को समझ रही है ना? वक्त नहीं देना उसे। नहीं नहीं, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दे सकती। अरे समीना मेरी बात समझ, शहर हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और जब तक वो अंडे दे रही है ना, हमारा काम चल रहा है। समझ में आ रही है ना? तो जितनी जल्दी हो सके अपना काम निकलवा ले। अभी शहर की लगाम हमारे हाथ है, इतनी आसानी से इसको अपने जाल से नहीं निकलने दूंगी। आई शाबाश, चल दिखा दे अपना रंग। तू मुझे बैलेंस तो करवा दे, फिर फोन करूंगी ना। अभी दो दिन पहले तो 100 रुपए का कराया था तुझे मैंने। तो 100 का तो कराया था, वो तो खत्म हो गया। अच्छा चल ठीक है, मैं दलवाता हूँ तुझे। कॉल करके पता कर और मुझे बता, ठीक है? ठीक है। और तू घर कब आ रहा है? थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, अभी किसी जरूरी काम से बाहर हूँ, खोके पे जा रहा हूँ। कैसा काम? जब हो जाएगा ना बता दूंगा। तू अपने काम पे ध्यान रख, शहर को कॉल कर, पता कर, मैं भेज रहा हूँ तुझे लोड। ठीक है, तू बैलेंस भेजेगा तो फिर उसको फोन करूंगी। अब मैं रखती हूँ। बैलेंस आ जाए फिर इस शहर की खबर लेती हूँ जरा। आ गया बैलेंस। माशाल्लाह रवि, डे वन पे काफी प्रोग्रेस है। अच्छा, आप अकाउंट्स और रेवेन्यू आप देखेंगे, ठीक है? तो उसके सिलसिले में जितने भी अपडेट्स हों आप जो है वो नवेद साहब को बताएंगे, और आप दोनों ने रजी को जो है वो डेली बेसिस पे अपडेट रखना है, ठीक है? अकाउंट्स और रेवेन्यू ऐसी चीज़ें कि जिसमें हम कोई कोताही नहीं कर सकते। वैसे काफ़ी मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ कंपनी की, और बेहतरीन है। देखिए माशाल्लाह। कंग्रेचुलेशन दोस्त, बहुत बहुत मुबारक, तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट। थैंक यू यार, इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया और मुझे डूबने से बचा लिया। थैंक्स की क्या बात है यार, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स बाद में और अच्छे दोस्त पहले। और तुम देखना, हम दोनों मिलकर इस कंपनी को कितनी बुलंदियों तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अरे हाँ, वो साइम का यार मार्केट में अच्छा खासा नाम खराब हो गया, उसकी कंडीशन और भी ज्यादा मार्केट में खराब हो गई। कर्ज मांग रहा है लोगों से, लेकिन कोई भी उसे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, एनीवेज क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई कॉल्स वगैरह नहीं आई उसकी? तुमने कोई रिस्पांस नहीं दिया उसे? ऐसा नहीं है यार, दरअसल मैं माजी की बातों को भुला देना चाहता हूँ। साइम कौन था, मेरा उससे क्या वास्ता था, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। वो अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। और सुनाओ, शाम की क्या अपडेट है? हाँ बोल, कैसे याद किया? इतनी कच्ची याददाश्त है तेरी, इतनी जल्दी भूल गई। एक काम कहा था मैंने तुझे, सोचा रात हो गई है तूने कॉल नहीं की तो कॉल करके याद दिला दूं। जितना नीचपन तू करके गई है ना, कोई भूल नहीं सकता। ज्यादा बातें मत बना, पैसों का क्या बना है ये बता। देख समीना, साफ साफ बोल देती हूँ, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे रगड़ूंगी तो पैसे आ जाएंगे। हाँ लेकिन तेरे पास अलादीन के चिराग वाला साइम तो है ना, फिर भी तेरे हलवा के दुखड़े मुझे समझ में नहीं आते। मेरा दिमाग चाटने की जरूरत नहीं है हर वक्त, और आज के बाद मुझे फोन नहीं करना। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुझे खुद फोन कर लूंगी।
मुझे एक टाइम बता। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा तुझे बता दूंगी। तो ठीक है, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा साइम को जाके सब कुछ सच सच बताने में। तुझे पता है तू बहन नहीं है, बहन के नाम पे धब्बा है। और तू तो चांद है ना, जो सिर्फ अपने लिए चमकता है। फोन रख रही हूँ और दोबारा मत करना जब तक फोन मैं खुद ना करूँ, समझ आई ना? मैं तो जरूर तुझे दोबारा फोन करूंगी जब तक तू ये पैसे मेरे हाथ में नहीं रख। बहुत एहसान किया तुमने अपना सूट देखकर। इसमें एहसान की क्या बात है सीमा? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह जानते तुम जैसी मीसनी लड़कियों को जो अपना घर बसाने के लिए हमजा जैसे लड़कों का शिकार करती है। तुम्हें पता है आज तक मैं कवारी क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तुम जैसी अदाएं नहीं है। और शरीफ घर का खून है ना मेरी रगों में, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो रोज बन तन के अपने लिए दुल्हा देखने चली जाऊं। तुम ज्यादती कर रही हो सीमा। ज्यादती? ज्यादती मैं कर रही हूँ? कह भी कौन रहा है? तुम कह रही हो तुमने आज मेरे साथ ज्यादती किया अपनी जलन दिखाकर। जानबूझ के हमजा को अपनी बहन के घर ले गई ना ताकि रिश्ते वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो सके। बोलो मेरी जान, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। कोई गलत फहमी नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ तुम्हें। आज देख लिया तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी जलन है। इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारी वजह से घर आके वापस लौट गया। तुम्हारी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा, इसलिए तुम्हारी बात का बुरा नहीं मान रहे। जब नॉर्मल होगी ना तो खुद ही एहसास होगा कि रिश्ता तुम्हारे नसीब में ही नहीं था, अगर होता तो वापसी नहीं जाता। बस ना ये भाषण अपने पास रखो, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है मुझे। सहर जी। हाँ कहाँ है सर? वो दादी तो फजर की नमाज पढ़ के नाश्ता करके अपने कमरे में ही है, मैं बुलाने गई थी लेकिन वो आई नहीं। और हसन वो कहाँ है? आज तो डे ऑफ है उसका। हाँ वो मीराबाजी कल ही अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी और जाते जाते हसन को भी साथ ले गई। दादी को कह रही थी कि कुछ दिन अब वो वहीं रहेंगी, इसीलिए मैंने भी सुन लिया। अजीब मनमानी की आदत पड़ गई है मेरा। खुद उसने जहां भी रहना है रुके, लेकिन हसन को रोकने की क्या जरूरत है? ठीक ही कह रहे हैं आप। अब देखिए ना, हसन आपकी भी तो औलाद है, उसे कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं इसका फैसला करने का हक आपको भी तो है। लेकिन बाजी उन्हें तो मनमानी करने की आदत पड़ गई है, वो समझती है कि हसन पर सिर्फ उन्हीं का हक है। गलत फहमी है उसकी। अच्छा खड़ी क्यों हो, बैठो ना, नाश्ता करो। जी साइम, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत क्यों? मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं और मैं आपको परेशान करना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूर हूँ। किस लिए चाहिए पैसे? वो आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। अच्छा ठीक है, ले लेना पैसे। कितने चाहिए? बस यही कोई
डेढ़ दो लाख। डेढ़ दो लाख में कौन सी शॉपिंग होती है सर? अभी सिर्फ बेसिक चीजें ले लो ना, बाकी बाद में कर लेंगे हम। हाँ, शॉपिंग इतने सारे पैसों से थोड़ी ना होती है। वो मैं चाहती हूँ कि हमारा पहला बच्चा है ना, तो उसका इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से हो। मैं उसका रूम सजाना चाहती हूँ, बहुत सारे खिलौने लाकर रखना चाहती हूँ। बस इसीलिए थोड़े ज्यादा पैसे मांग रही हूँ। अच्छा ठीक है, ले लेना पैसे। लेकिन सुनो, मैं अपनी परेशानी में तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकूंगा। शॉप तुम खुद ही ले लेना जाके, ठीक है? जी, आप बस पैसे दे दीजिएगा, बाकी सब मैं कर लूंगी। मैं आपको परेशान करना भी नहीं चाहती। ठीक है, शाम को आते हुए बैंक से कैश लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ, अभी तक रूम तैयार नहीं हुआ? कहीं बाहर जाना? मैंने तुम्हें कहा तो था कि शाम में तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ले जाऊंगा। जी वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं उस वक्त तक फ्रेश हो जाए। सने। हाँ कहो, कुछ कहना चाह रही है? जी आपसे एक बात करनी है। बोलो। वो आप सुबह भी कहकर चले गए थे तो मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं भी मौजूद हूँ, कहो। मुनीर, मैंने जो वापस जाने की बात कही थी, क्या उस वजह से आपने अपना फैसला बदला? हाँ कह सकती है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ कर क्या रहा हूं। हमारे बीच किसी तीसरे की वजह से ये दूरियां पैदा ही क्यों? क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि किसी तीसरे के किए की सजा मैं तुम्हें देता रहा, तुम्हें इम्तिहान में डालकर अपने रिश्ते को दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया? एक तरफ भाई, दूसरी तरफ शाह, दोनों के दरमियान किसी एक को चुनने का कहकर तुम्हें दुखी करता रहा, तुम पर जुल्म करता। लेकिन अब मैं ये नफरत मजीद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर दे, मुझे तुम्हें सजा सुनाने का कोई हक नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें सजा सुना दी और तुम खामोशी से वो सजा सहती रही। तुम्हारा मजाजी खुदा था सजा सुनाते, लेकिन मुझे अब सजा कौन देगा? मुझे माफ कर, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज।
1,00,000 रुपए हैं। फिलहाल यही मैनेज कर सका हूँ। कोशिश करूंगा कि कहीं से और अरेंज हो जाए। 1,00,000? इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो उसे? तू शाम को बहाने से खोके पे आ जाना, तुझे लेके चलूंगा दिखाने के लिए। तूने देख लिया, तुझे पसंद भी आ गया? ठीक है, तू भी देख ले, हैरान तो जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम मीरा। वालेकुम अस्सलाम। तुम आई नहीं तो सोचा कि कॉल करके तुम्हें खुद अम्मी की तबीयत का बता दूं। तो बताए ना, कैसी तबीयत है अम्मी की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, जल्द फुली तौर पर रिकवर हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो तुम अम्मी के पास हो, मुझे भी फिक्र नहीं हो रही। मुझे भी अम्मी से मिलना था लेकिन घर में सीमा का रिश्ता नहीं हुआ तो थोड़ी सी टेंशन है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, शादीशुदा जिंदगी के अपने मसले मसाइल होते हैं और वैसे भी तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है। शादी हो जाने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे और अम्मी से बहुत दूर हो गई। अब देखे ना, अम्मी की तबीयत खराब है, मैं उनसे मिलने भी ना सकी। जानी, इसमें रोने की क्या बात है? मुझे पता था कि तुम फिक्रमंद होगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल करके खुद बता दूं। ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब तुम सुनाओ, तुम्हारी तरफ सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है मीरा, सीमा के रिश्ते को लेकर घर में थोड़ी सी टेंशन चल रही है, इसलिए ऑफिस भी नहीं जा सकी। सामान जानू, टेंशन मत लो, जब होना होगा रिश्ता हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अभी बात हम दूसरों को तो नहीं समझा सकते ना मीरा। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन सुनो, तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझे शायद आदत नहीं है ना ऐसे माहौल में रहने की, इस वजह से। अच्छा आप बताएं अम्मी क्या कर रही हैं? अगर वो फ्री है तो मैं बात कर लूं उनसे। बस अम्मी हसन के साथ लगी हुई थी, याद कर रही थी तुम्हें। ठीक है, मैं उनको फोन कर लेती हूँ। ओके जानी, खुदा हाफिज। ये ले, पानी पी ले। इमरान कब आएगा? आता ही होगा, मुझे तो वो कुछ बताता ही नहीं है। उसे बता के मुझे अस्पताल जाना है। तो खुद क्यों नहीं फोन करके उससे पूछ लेती? अरे किया था फोन उसे, नहीं उठाया तभी तुझे कह रही हूँ। उसे फोन करके कह तेरी माँ बुला रही है। इतना नमक घोल घोल के खाएगी तो बीमार तो होगी ना। ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं, जो कहा है ना वो कर। अच्छा ठीक है, मैं उसको फोन करती हूँ। इधर बीमार हुए नहीं, इधर भाषण शुरू हो गए, ये ना खा वो ना खा, मर जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आज फिर देर हो गई? बस अम्मी, डूबने से पहले हाथ पांव तो मारने पड़ते हैं। अमजद आया था ना उस दिन, तुमने तो सीधे मुंह बात भी नहीं की उससे। जब वो मुझसे बात करना अपनी तौहीन समझते हैं तो फिर उनसे बात करके उनको तकलीफ में नहीं डालना चाहिए। लेकिन बेटा बड़ा भाई है वो तुम्हारा, उसे अपनी मुश्किल बताते तो सही। इस हकीकत को तो मैं नहीं झुठला रहा।
चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खाना खाऊंगा। तो मैं खाना लगाती हूँ। एक सेकंड, ये लो, 1,00,000 रुपए है। फिलहाल यही मैनेज कर सका हूँ। कोशिश करूंगा कि कहीं से और अरेंज हो जाए बस। 1,00,000? इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो उसे? वो अम्मी शहर बच्चे की शॉपिंग करना चाह रही है इसलिए। हाँ, फिर भी बहुत ज्यादा पैसे हैं। हसन की बार ऐसे कई ज्यादा खर्च हुए थे अम्मी, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। जाहिर है शहर भी माँ है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, पूरी करने दें उसे। बेटा उस वक्त हालात कुछ और थे, इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। तो अम्मी आप खुद ही तो कहती हैं कि हर बच्चा अपना नसीब खुद लेके आता है, तो फिर हम कौन होते हैं किसी के नसीब का फैसला करने। शहर अगर शॉपिंग के लिए तुम्हें कंपनी की जरूरत हो तो मम्मी को भी साथ ले जाओ। अरे नहीं नहीं, दादी माँ कहाँ परेशान होती फिरेंगी मेरे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी ना। आपको भूख लगी है ना, मैं खाना लगाती। हसन कब तक आएगा अम्मी, कुछ पता है आपको? हाँ, वो मेरी मीरा से बात हुई थी, और राबिया की तबीयत बहुत खराब है ना, उसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ा था हॉस्पिटल, तो मीरा ने सोचा है कुछ दिन और रुक जाएगी वहाँ पर। समन के जाने के बाद राबिया बिल्कुल अकेली हो गई है। सोच रही हूँ मैं चक्कर लगा के आऊँ उसके घर का। जी ठीक है, मैं आता हूँ। ये लड़की तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? अम्मा वो मैं वैसे मैं थोड़ी देर के लिए अस्पताल क्या गई, तूने तो मेरे कमरे में डेरा ही जमा लिया। कोई डेरा नहीं जमाया मैंने, अकेली थी घर पे तो आके बैठ गई थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। तो अपने कमरे में जा, मेरे कमरे में क्या लेने आई है? यकीनन मेरी अलमारी से तूने कुछ ना कुछ चुराया होगा। अव्वल तो ये कि तेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर होता भी ना तो समीना को इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि यूं ही सामान उठा ले किसी का। जा जा, बड़े देखे हैं। देखे होते ना तूने अम्मा, तेरे नाक के नीचे से चीजें निकाल के ले जाती और तुझे खबर भी ना होती। अब जाती है या नहीं? जा रही हूँ अम्मा मैं, लेकिन ना तुझे एक दिन जरूर एहसास होगा जो तू मेरे साथ करती है। जा जा। ठीक कहीं की, क्या इलाज करूं इस लड़की का, ये तो समय से बाहर है, ये देखते ही आग लग जाती है मुझे। One more sip. अल्लाह तेरा शुक्र। हसन सो गया? जी, और आपको भी सो जाना चाहिए, आप रेस्ट करेंगी तो मजीद बेहतर फील करेंगी। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ बेटा, तुमने जिस तरह से सारा दिन मेरी खदमत की है ना, मुझे देख के लगता ही नहीं कि मैं कभी बीमार भी थी। बेटियां ऐसी होती हैं, माँ की तबीयत जरा सी खराब हो ना तो उसकी पट्टी से आके लग के बैठ जाती है। माएं भी तो इतनी प्यारी चीज होती है, सुख वुख दर्द वर्द सब कुछ जैसे कि एक नन्ही सी जान के लिए साइड पे रख के भूल ही जाती है। आपको पता है मुझे पहली बार आपकी कदर कब हुई?
कब? जब हसन पहली बार मेरी गोद में आया था, फिर जब उसने पहली बार अपनी गोल सी आंखें उठा के मुझे देखा था, फिर एक ऐसी रात थी उसे नींद ही नहीं आ रही थी, और जब वो सोया मैं पूरी रात मैंने एक करवट नहीं ली इस खौफ में कि उसकी नींद खराब ना हो जाए। फिर जब उसने मुझे पहली बार मामा बुलाया, मुझे इन सारे मौकों पर आपकी इतनी याद आई, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए भी यही हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है, माँ और बच्चों का रिश्ता ही ऐसा होता है बेटा। अब देखो ना, समन आने का कहकर गई है, लेकिन हर खटके पर मेरा दिल जो है वो कान बन जाता है। अब मैं सुनने लग जाती हूँ कि शायद अभी आ जाएगी। वो असल में उसकी नंद के साथ मसला हो गया था, वरना तो वो आ रही थी। अरे अल्लाह करे सब ठीक रहे, हर बेटी अपने घर में खुश और आबाद रहे। उसने कहा था कि वो आपको कॉल करेगी, लेकिन शायद वो बिजी हो गई। जब घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना बेटा, तो हर लड़की को बेटी नहीं बहू बन के सोचना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि समन ने भी ऐसा ही किया होगा और वो ऐसा ही करेगी। आप फिक्र मत करें, समन इज वेरी स्मार्ट, वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत समझदार हैं। अल्लाह मियां तुम दोनों को अपने घर में शाद और आबाद रखे। मेरा प्लीज बेटा, अब तुम भी घर वापस चली जाओ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और मेरी वजह से ना अपनी रूटीन मत खराब करो तुम। आपने मेरी कोई रूटीन खराब नहीं की मेरी प्यारी मामा। चले अब आप ये बातें छोड़ें, आपको रेस्ट की जरूरत है, ठीक है? तो आप सो जाएं। ठीक है बेटा, तुम भी जाओ, सारा दिन मेरे साथ लगी रही हो, आराम कर लो जाके। ओके, लव यू मामा, शुभ। अल्लाह मेरी बच्ची को अपने घर में खुश रख, मेरी बच्ची के सारे मसले हल कर दे मेरे बाद। हमजा, तुमने मुझे उठाया नहीं, ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? तुम दोबारा सो जाओ। क्यों ऑफिस नहीं जाएंगे? यार तुम्हें अंदाजा है कि सीमा की वजह से घर का माहौल काफी अपसेट है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम दो दिन छुट्टी कर लो, ताकि घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन ऑफिस जाना भी तो जरूरी है ना, मैं ऑलरेडी लीव ले चुकी हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी लीव और ले लूंगा। तुम घर मैनेज कर लो, मैं ऑफिस में मैनेज कर लूंगा। अच्छा थैंक्स। समझ में जानता हूं कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम प्लीज मेरे लिए हिम्मत से काम लो, तुम्हारे साथ हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो। थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू। बात सुन। हाँ बोल। अरे छोड़ ना, मेरी बात ध्यान से सुन। क्या हुआ है? खैर तो है? शर्म से। मैंने नया मकान देखा है, दो कमरे का। तू शाम को बहाने से खोके पे आ जाना, तुझे लेके चलूंगा दिखाने के लिए। तूने देख लिया?
तुझे पसंद भी आ गया है? ठीक है, तू भी देख ले घर में तुझे ना। मुझसे छुप के तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो? तुझे शर्म नहीं आती अम्मा? बेटे और बहू के दरवाजे से कान लगा के बातें सुनती है। बात को घुमाओ मत, मुझे ये बताओ कि तुम इसे खोखे पर कौन सा घर दिखाने लेकर जा रहे थे? उससे क्या पूछ रही है, मुझसे पूछना। तुझसे क्यों पूछूं? अपने इस लाल से क्यों ना पूछूं? मेरी बात है ना, तो मैं ही बताऊंगी, उसको इल्हाम थोड़ी होगा। अच्छा बता, तू बता कौन सा सोने का महल तेरे हाथ लग गया है जो घर ढूंढती फिर रही है? अरे दुकान की गोलक को तो नहीं शुरू हो गया तू? नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही है, मैं तो सारा दिन मजदूरी करता हूँ और गिन के पैसे तेरे हाथ में रखता हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं अच्छी से जानती हूँ, सारा हिसाब तू देता है, बहुत सच बोलता है तू मेरे साथ। तेरी बीबी के वो रसगुल्ले जो छुप छुप के घर में आते हैं ना, सब देख लिए मैंने। आफरीन है अम्मा तुझ पे, बेटे और बहू के नवालों पे नजर रखी हुई है तूने। अरे अभी नजर नहीं रखी, वरना इस तरह से ना डिकार जाती तू। ये छोड़ काम की बात बता, क्या छुपा रहे थे तुम दोनों? हमारी इतनी हैसियत कहाँ अम्मा कि हम घर देखते फिरें। वो तो सहर ने कहा था कि उसको कोई छोटा सा घर चाहिए अपने लिए, उसी ने देखने का बोला था हमें। अब इमरान ने देख लिया और मुझे भी पसंद आ गया, तो बुलावा भिजवा दूंगी, फिर लेना तो उसी ने है। तेरी इस कच्ची पक्की कहानी पे मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो इतनी अच्छी जगह पे रहने वाली यहाँ क्यों घर लेने लगी? मुझे तो तेरी ये कहानी झूठी लग रही है। अब तूने मेरा मुंह खुलवा दिया ना, तो फिर सुन, तेरे बेटे की बेइज्जती ना हो ना इसलिए मेरा मुंह बंद था, लेकिन तू तो बाल की खाल निकालने में लगी हुई है। तू ठीक कह रही है, शहर क्यों इतने छोटे से इलाके में घर लेने लगी भला? ना ही मेरे पास इतने पैसे हो, ना ही तेरे बेटे के पास कोई बाप दादा की जायदाद है कि मैं थोड़े पैसे अपने बाप को दे दूं। उसी का ख्याल करके शहर ने कहा था कि उसके लिए छोटा सा घर देखूं जो कि उसकी मलकियत में होगा। कब तक मेरा बेचारा बाप ताया करीम के घर पर पड़ा रहेगा? बस इतनी सी बात है और तू पता नहीं क्या बातें घड़ी जा रही है। बात तो तेरी ये भी मेरी हलक से नहीं उतर रही। मुझे लगता है तेरा पेट खराब है। पता नहीं क्या हर वक्त जासूसी करती रहती है। तुम कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना